शैलेश लोधा ने तारक मेहता के मेकर्स के खिलाफ शिकायत की है, साथ ही असित मोदी के प्रोडक्शन हाउस पर उन्होंने केस किया है। आखिर क्या है कारण, चलिए आपको बताते हैं। वेल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कई सालों से दर्शकों को काफ़ी एंटरटेन कर रहा है, लोग इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ वक्त से ऐसा हो रहा है कि शो की जो स्टार कास्ट है वो धीरे धीरे शो से किनारा कर रही है। पिछले साल शैलेश ने भी इस शो को छोड़ दिया था और वजह सामने आई थी कि उनकी अनबन हो गई है शो के प्रोड्यूसर असित मोदी से। साथ ही हाल ही में कुछ खबरें सामने आ रही है जिसके अनुसार शो के 6 महीने के छोड़ने के बाद उनकी जो बकाया फीस थी उनको नहीं मिली है। 1 साल कंप्लीट होने वाला है शैलेश को शो छोड़े हुए, लेकिन अभी तक के उनको पैसा नहीं मिला है जिसकी वजह से उन्होंने केस किया है। शैलेश ने इन्हीं वजह से कानून का सहारा लिया। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार शैलेश ने असित मोदी और उनके प्रोडक्शन हाउस की कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। शैलेश ने नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूशनल के पास जाकर के धारा 9 के तहत एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन अभियान शुरू किया। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में मई में सुनवाई होगी। वहीं जब इस मामले में शैलेश से बात की गई तो एक्टर ने कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी मामला विचार अधीन है और अदालत में इसलिए इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वहीं जब इस मामले में असित मोदी से बात की गई शो के प्रोड्यूसर से तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मैं सफ़र कर रहा हूँ। इस मामले में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोजेक्ट हेड ने कहा है कि कहने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है जो पहले कहा गया है। शैलेश एक परिवार की तरह हैं, जब वो चले गए तो हमने उसको संपर्क किया और कई मौक़ों पर ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से हमने उनसे अनुरोध किया वे आवश्यक कागज़ कार्यवाही पर हस्ताक्षर कर ले, ऑफिस आ जाए और अपना बकाया पैसा ले जाए। हमने कभी भी भुगतान करने से मना नहीं किया है, ये कहना है। फिलहाल क्या कहना है आपका, शो को आप फॉलो करें तारक मेहता को या फिर नहीं, किसको मिस करते हैं जिसने शो को छोड़ दिया उसका नाम ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।